में सब्सक्राइब कीजिए लॉ हेल्प्स इंडिया यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो ऑफ लॉ हेल्प्स इंडिया। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि लड़का या लड़की में से कोई अगर एक एनआरआई है और दूसरा अगर इंडियन है तो दोनों के बीच शादी कैसे होगा या फिर दोनों के बीच शादी कैसे किया जाएगा, इसका क्या क्या नियम है हमारे देश में, इसका क्या क्या कानून है हमारे देश में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां रेगुलरली ट्रैवल और फूड रिलेटेड मैं पोस्ट मैं करता रहता हूं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @ऑलमोस्ट सुमन। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लड़का या लड़की में से कोई अगर एक एनआरआई है और दूसरा इंडियन है तो दोनों के बीच इंडियन में कानूनी रूप से शादी करने के लिए एक ही प्रोसेस है जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट। सबसे पहले तो जो रीति रिवाज है उसे करना या ना करना वो सारा का सारा दो फैमिली के ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैरिज रजिस्ट्री अगर होगा तो वो सिर्फ स्पेशल मैरिज के अंदर ही रजिस्ट्री करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये मैरिज रजिस्ट्रेशन सबसे आसान तरीका भी है। मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रर से स्पेशल मैरिज का जो फॉर्म होता है वो लेके आना पड़ेगा और फिर लड़का और लड़की दोनों को वो फॉर्म अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ फिलअप करके मैरिज रजिस्ट्रेशन के पास सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रर सब कुछ चेक करके एक डेट देगा, उसी दिन लड़का और लड़की दोनों को रजिस्ट्रर ऑफिस जाना पड़ेगा और उसी दिन रजिस्टर हो जाएगा। यहाँ भी 3 विटनेस लगता है तो विटनेस को साथ ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए लड़का और लड़की दोनों का एज प्रूफ लगता है, दोनों का रेसिडेंस प्रूफ लगता है और दोनों का अलग अलग 8 से 10 कॉपी कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।